मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 7th का अष्टम पार्ट पढ़ेंगे। अष्टम मतलब 8 पार्ट, ओके। और 8 पार्ट क्या है? जंतुशाला। क्या है जंतुशाला? मतलब क्या होता है सबको पता ही होगा, चित्र देख के भी पता लग गया होगा, ठीक है। तो क्या है? चिड़िया घर मतलब जू, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जू। और हिंदी में चिड़ियाघर। आगे बात समझ में? तो आज हम पढ़ेंगे जंतुशाला मतलब चिड़ियाघर, जिसमें जू में जिसमें वो बहुत से प्रकार के क्या रहते हैं, जीव जंतु है ना, जानवर पशु पक्षी हर प्रकार के। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सुमेश मतलब इसमें एक पापा है एक बच्चा है, तो वो कहाँ गए हैं? घूमने गए हैं जू, है ना। तो जो सुमेश है वो उसके बच्चे का नाम है। जनक मतलब सबको पता ही है पापा होते हैं, तो बच्चा और पापा, ठीक है। तो दोनों आपस में बात करेंगे और उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा और क्या बात कर रहे थे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सुमेश, सुमेश बोलता है जनक श्वः रविवासः भविष्यति, ठीक है। तो क्या बोलता है? पिताजी कल क्या है? कल क्या है? रविवार होगा, ओके। श्वः वयं जंतुशालां द्रष्टुं गमिष्यामः, क्या करेंगे कल? हम कहाँ जाएंगे? कल हम सब जंतुशाला देखने जाएंगे, मतलब चिड़ियाघर देखने जाएंगे। जनक हम, उसके पिताजी क्या बोलते हैं? हाँ, आम मतलब हाँ, ओके। अवश्य में है ना, अवश्य ही जरूर अपन जाएंगे। जंतुशालायां बहु पशवः खगा अन्य च प्राणी भवन्ति, जंतुशाला में बहुत से है ना पशु पक्षी और दूसरे प्राणी होते हैं, ठीक है। तेषां दर्शनेन जनानां मनोरंजनं भवति, तो क्या उनके देखने से लोगों का क्या होता है? मनोरंजन होता है, ओके। फिर सुमेश, सुमेश का मतलब तत्र के जंतवः सन्ति, वहाँ कौन कौन से जंतु है, ठीक है। तो जनक मतलब पिताजी स्वयमेव दर्शन्ति, स्वयं ही देखोगे जब तुम जाओगे तभी खुद देख लेना, ओके। रविवार सरे सुरेशः जनकेन सह जंतुशाला गच्छामि, ठीक है। रविवार को सुरेश पिताजी के साथ कहाँ जाता है? चिड़ियाघर देखने जाते हैं। उसके बाद आता है सुमेश, सुमेश क्या बोलता है? तत्त पश्य अस्मिन् पिंजरे अनेके वानरा सन्ति, पिताजी देखो, क्या देखो? इस पिंजरे में अनेक बंदर है, ओके। ते स्ततः भ्रमन्ति, वे क्या कर रहे हैं? इधर उधर क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। वानरः पिंजरे एव स्थानात् स्थानं धावन्ति कूर्दन्ति च, बंदर पिंजरे में ही एक स्थान से दूसरे स्थान को दौड़ रहे हैं, सही है ना। इधर से उधर क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। एकस्मिन् पिंजरे सिंह अस्ति, क्या है एक दूसरे पिंजरे में क्या है, ये ना क्या है? शेर। तेषां गर्जनेन अन्य जंतवः अपि भयत्रस्ताः भवन्ति, उसके क्या करने से? गरजने से दूसरे जंतु भी क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं भय से, है ना। भय से क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं, ठीक है। जनक पिताजी पश्य पश्य तत्र मयूरा नृत्यन्ति, देखो देखो वहाँ पे क्या कर रहा है? मोर नाच रहा है। यदा मयूरा नृत्यन्ति तदा जना मोदन्ते, जब मोर नाचते हैं तब लोग क्या होते हैं? प्रसन्न होते होते हैं ना। अपन को भी कभी कभार कहीं जाते हैं, जैसे अपन भी चिड़ियाघर गए जू गए, तो अपन को भी जब मोर देखता है तो अपन को भी खुशी होती है ना, उसी प्रकार उसको भी क्या हो गई? खुशी होती है उसको, क्या सभी को होती है, ठीक है। तत् एकस्मिन् पिंजरे शुका सन्ति, क्या होता है जब मोर नाचता है और तब लोग क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। और देखो वहाँ पे एक पिंजरे में क्या है? तोते हैं। चटका मधुरम कलरव कुर्वन्ति, चिड़िया मधुर कलरव करती है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की चिड़ियाएँ होती है, तो वो क्या करती है? आवाज़ें, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालती है, तो क्या होता है? बहुत अच्छी लगती सुनने में, ओके। तेषां कलरव जनानां तेषाशी अपहरन्ति,
के उनका करलव लोगों के हृदयों को हरता है, मन प्रसन्न होता है लोगों का, ठीक है ना। इसके बाद ये देखो, ये चित्र दिख रहा है सबको, ये है उनके पापा, ये है सुमेश, है ना, और ये सब देख रहे हैं। ओके, उसके बाद है रमेश क्या बोलता है, सॉरी सुमेश क्या बोलता है, जनक अत्र तड़ांगे मकरा संती, क्या है पिताजी यहाँ पे तालाब में क्या है, मगरमच्छ है, क्या है मगरमच्छ, ते मत्स्यान खादंती, वो क्या खाता है, क्या खाता है, वे मछलियों को खाता है। ओके, बाल कहा जले पाषाण खंडानी, श्रीपंती क्या करता है, बच्चे पानी में पत्थर के टुकड़ों को फेंकते हैं, ठीक है। पाषाण खंडानी मतलब क्या होता है, पत्थर के टुकड़े, ठीक है, वो कहाँ फेंकते हैं, जल में फेंकते हैं। तदा मकरा जलस्य ऊपरी आगक्षंती, तब क्या होता है, जब बच्चे उसमें पानी में पत्थर फेंकते हैं तब वो जो मगरमच्छ रहता है कहाँ जाता, पानी के ऊपर आ जाता है। अस्मिन तड़ांगे बकहा संती, वो पानी के क्या होता है, ऊपर आता है, और दूसरे तालाब में क्या है, बका मतलब बगुले, क्या है बगुले हैं। ते श्वेत वर्णा संती, वे कैसे हैं, श्वेत वर्णा मतलब वे सफ़ेद रंग के हैं, ठीक है। जना कहा प्रकृति रमणीय अस्ती, प्रकृति कैसी है, सुंदर है, रमणीय मतलब सुंदर है। कैंचित जंतव शुद्र भवती, कैंचित विशाल काय है ना, काय क्या है, सुंदर है, कुछ जंतु छोटे होते, कुछ कैसे होते, विशाल शरीर वाले होते, सही है ना, जैसे कि हाथी कितना बड़ा होता है, सही है ना। कैंचित जलवासिन, कैंचित स्थलवासिन, कैंचित च वृक्षावासिन संति, कैसे होते, कुछ जल में रहने वाले होते हैं, सही है, कुछ स्थल पर रहने वाले होते हैं, और कुछ पेड़ों पर रहने वाले होते हैं, सही है, कुछ जल में रहते हैं मछलियाँ मगर, है ना, और कुछ कैसा रहते हैं, स्थल मतलब ज़मीन पे रहते हैं, कितने सारे हाथी बंदर, है ना, बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, वृक्ष पे रहने वाले, जैसे चिड़िया कौवा ये सब कैसे होते हैं, वृक्ष पे रहते हैं, ठीक है ना। विशालम इदम जगत विचित्र सह, क्या है इस अपना जो है यह संसार कैसा है, विशाल और विचित्र, है ना, विशाल बहुत बड़ा है और बहुत विचित्र है। अत्र विविधा प्राणिनः निवसन्ति, कैसे विचित्र और विशाल है, और यहाँ पे कैसे रहते हैं, अनेक प्रकार के प्राणी निवास करते हैं, सही है। इयम विविधा इदम जगत रम्यम करोति, क्या करते हैं, यह विविधता और संसार को सुंदर बनाते हैं, सही है। अलग अलग प्रकार के प्राणी, अलग अलग प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं, तो वो अपने पृथ्वी की क्या बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, अपने जगत की क्या बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं। सुमेश जनक अधुना अहम श्रांत अस्मि, पिताजी अब मैं थक गया हूँ, श्रांत मतलब होता है थकना, तो मैं थक गया हूँ। विश्रामम कृत्वा अन्याय जंतुन दृश्यामि, क्या करूँगा, आराम करके दूसरे जंतुओं को देखूँगा, ठीक है। तो ये चैप्टर होता है यहीं पे एंड। सभी को क्या करना है बेटा, सेवन्थ चैप्टर तो अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है, सेवन्थ चैप्टर, ओके, फेयर कॉपी कंप्लीट करना है, होमवर्क कॉपी कंप्लीट करना है, रोज़ मैं वीडियो में बोल रही हूँ, डेट डाल के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है, ठीक है। एक पदेन पहले क्या पढ़े कर लिखेंगे, एक पदेन फिर एक वाक्य, हर चैप्टर के, और लर्निंग वर्क भी साथ में चलना है, ऐसा नहीं करना है कि लिख लिया हो गया, बिल्कुल नहीं, लर्निंग भी करना है, ओके। अब हम इस चैप्टर के, है ना, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, ओके। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।